नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरा मामला जनपद औरैया के अयाना थाना क्षेत्र के फरीहा गांव का है, जहां पर एक शादी समारोह में चार बालिकाओं की डूबने से मौत हो गई। इसके तत्पश्चात ही इसकी सूचना आग की तरह क्षेत्र में फैल गई। ग्रामीणों में सूचना मिलते ही हड़कंप सा मच गया, वहीं शादी समारोह की खुशियों पर मातम सा छा गया है। जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश कराना शुरू कर दी। चार लड़कियों में से तीन बालिकाओं के शव को बरामद कर लिया गया था और बची एक बालिका की तलाश जारी थी। पुलिस अधीक्षक औरैया अर्पणा गौतम के द्वारा बताया गया कि मौसम और बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। बारिश बंद होने पर दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया जाएगा। और वहीं पुलिस अधीक्षक औरैया अर्पणा गौतम के द्वारा SDRF यूनिट की भी मांग की गई है। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक औरैया अर्पणा गौतम ने क्या कहा है। थाना आना क्षेत्र में एक गांव फरिया, जो कि यमुना नदी के पास में है, वहां से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बच्चियां यमुना नदी में नहाते वक्त डूब गई हैं। पूरा प्रकरण कुछ इस प्रकार है कि ये सभी लड़कियां एक ही रिश्तेदारी में हैं, परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, और ये एक शादी समारोह में फरिया गांव में आई हुई थी। और दोपहर में करीब 4-4:30 बजे करीब इन सभी ने यमुना नदी में जाकर नहाने का प्लान बनाया, और वहाँ पर जो गांव के लोग हैं और जो इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि वहाँ पर ये जब नहाने गई हैं तो संभवतः नहाते समय एक बच्ची का पैर फिसला है, और उसी को बचाने के प्रयास में अन्य युवती जो हैं, जो साथ में गई थी, वो भी डूब गई हैं। इसमें जो चार जो लड़कियां हैं जिनकी जो डूबी हैं, उनमें से स्थानीय जो हमारे गोताखोर हैं और जो स्थानीय पुलिस है, उसकी कड़ी मशक्कत के बाद तीन शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके पर मेरे द्वारा इनके परिजनों को और जो परिवारी जन थे उन सभी को पूर्ण आश्वासन दिया गया है कि हर प्रकार से मदद इनकी हमारे द्वारा की जाएगी। और जो चौथी बच्ची है जिसकी अभी बॉडी या शव बरामद नहीं हुआ या वो अभी नहीं मिली है हमको, उसकी तलाश के लिए हमारी जो टीमें हैं वो लगातार प्रयासरत हैं, और हमने इसके लिए जो SDRF की यूनिट है उसकी भी रिक्वेस्ट की है, और तलाश जारी हम लोग रख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हमारे ऑपरेशंस ख़राब मौसम और यहाँ तेज़ बारिश के कारण रुके थे, परंतु अभी हम ऑपरेशन रिज्यूम करते हुए शीघ्र गतिशील जो चौथी युवती है उसकी भी तलाश कर रहे हैं।